Hello student, I am Arohi Rani and welcome to our YouTube channel Eternity Learning Tutorial. So, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 12 पॉलीनोमियल्स. तो आज हम फर्स्ट वीडियो में इसका बस इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे और पहले तो स्टार्ट करते हैं कि पॉलीनोमियल होता क्या है. पॉलीनोमियल, पॉली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और प्लस नोमियल. पोली, पोली का अर्थ होता है मेनी, मतलब बहुत सारा, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म. मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना, फर्स्ट वन इज पोली एंड सेकेंड वर्ड इज नोमियल. मतलब ये दो टर्म से मिलकर बना है, मेनी प्लस टर्म, मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो. सिंपली अगर हम लोग समझ सकते हैं तो पोलिनोमियल एक मिक्सचर है नंबर का और अल्फाबेट का. जैसे कि अगर हम 3x लिखे प्लस 4x स्क्वायर लिखे प्लस 3x क्यूब लिखे, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर है अल्फाबेट और नंबर का. ये हमारा अल्फाबेट और ये हमारा हो गया नंबर. अब इसका टाइप्स देखते हैं. तो फर्स्ट टाइप है मोनोमियल. मोनोमियल किसे कहते हैं? आप पॉलीनोमियल विथ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसका केवल एक टर्म हो. अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो जैसे कि 2x स्क्वायर, इसका केवल एक टर्म है. जैसे कि x, y, z, जैसे कि 4x, y, क्यूब एक्सेट्रा. मतलब इसमें ध्यान दीजिए कि हम तीन एग्जांपल लिखे और तीनों में बस एक ही टर्म है. यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई जेड, 4x वाई क्यूब, मतलब सब में एक टर्म है. मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसका केवल एक टर्म हो उसे बोलोगे मोनोमियल. सेकेंड वन इज बाइनोमियल. तो ये भी सेम है, बस इसमें दो टर्म आ जाता है. तो आप पॉलीनोमियल विथ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल. मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जो केवल दो टर्म का हो. जैसे कि अगर हम इसी को दो टर्म वाला बनाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1, या फिर 3x क्यूब प्लस में 4x, या फिर 4x y क्यूब प्लस में 100. मतलब इसमें देखिए, इसमें दो टर्म आ रहा है, एक ये टर्म और एक प्लस के बाद वाला टर्म. दो टर्म, एक ये टर्म, एक प्लस के बाद वाला टर्म, दो टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. मतलब जिसमें दो टर्म होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल. अब आता है ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें तीन टर्म होता है. लाइक दिस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. देखिए इसमें तीन टर्म आ गया, एक टर्म, दो टर्म एंड थ्री टर्म. इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल. दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि 4x का पावर 12 माइनस 3x का पावर 10 माइनस एक्स वाई जेड. मतलब ये तीन टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल. और एक और पॉलीनोमियल होता है जिसको बोलते हैं जीरो पॉलीनोमियल. जीरो पॉलीनोमियल मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसको सॉल्व करने पे जिसका आंसर आएगा जीरो. जैसे कि देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं x प्लस में 2. अब यहाँ पे हम लोग x का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे जो ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए. तो अगर हम लोग 2x के जगह पे माइनस 2 रखते हैं तो यहाँ पे माइनस 2 रखे प्लस में 2, प्लस माइनस कैंसिल होके क्या आ गया जीरो. मतलब इसको हम लोग जीरो पॉलीनोमियल बोलेंगे. तो समझ में आ गया, पहला मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, सेकेंड बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, थर्ड ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, और जीरो पॉलीनोमियल ऐसा पॉलीनोमियल जिसका इक्वेशन सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल. लीनियर पॉलीनोमियल में जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए. जैसे कि एक पॉलीनोमियल है 2x प्लस 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 1. x का पावर कुछ नहीं, मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री 1. तो ऐसा पॉलीनोमियल जिसका पावर 1 होना चाहिए वो होता है लीनियर पॉलीनोमियल. दूसरा एग्जांपल देखते हैं x प्लस y. तीसरा एग्जांपल देखते हैं x प्लस 2y. अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ऐसा पॉलीनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 2. जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 4, y स्क्वायर माइनस 3x और क्यूब माइनस एक्स. ये हो गया तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए. ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलीनोमियल, मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए. जैसे कि 3x क्यूब माइनस एक्स, 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखा जा रहा है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, इसका कुछ नहीं तो 1, मतलब हाईएस्ट डिग्री 3. तो ये हो गया क्यूबिक. यहाँ भी इसका एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 2 है, इसका हाईएस्ट डिग्री 3, मतलब ये क्यूबिक हो गया. और यहाँ भी ये क्यूबिक का एग्जाम्पल हो गया. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जितना टॉपिक हम लोग को चैप्टर 2 के लिए पढ़ना चाहिए था.